किसी गांव में एक विशंबर नाम का ठेकेदार रहता था। वह जमीन खरीदकर वहां पर घर बनाने का काम करता था और अच्छे दामों पर उनको बेच देता था। एक बार उसने एक जगह को खरीदा, उसको वहां पर एक आलीशान बंगला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, पर उस जमीन के पास एक अनाथ विधवा नीमा की झोपड़ी थी। ठेकेदार साहब को बंगला बनाने के लिए झोपड़ी को हटाना था। उसने विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं पर बसी थी। उसका पति और इकलौता भी उसी झोपड़ी में मर गया था। बेटे को बहू भी एक 8 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। बस यही उसकी पोती रिया इस वृद्धकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती थी तो वह मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। तब से उसने अपने पड़ोसी का हाल सुना, तब वह उसे उस मिट्टी से प्यार हो गया था। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। तब से उसे अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म करके उसने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन ठेकेदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। ठेकेदार ने उसको देखते ही अपने नौकर से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। वह गिड़गिड़ा कर बोली, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। क्षमा करे तो एक विनती है। ठेकेदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती रिया ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चलो। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर खाना पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं उसे अपने सिर पर रख लूँ। ठेकेदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। फिर किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाया उसने ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वे एक हाथ भी ऊंची न हुई। वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ठेकेदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। इतना सब होने के बाद उन्होंने उस विधवा औरत से माफ़ी मांगी और साथ ही उसकी झोपड़ी भी उसे वापस कर दी। किसी को इतना परेशान न करे कि उसकी आत्मा से आपके लिए बददुआ निकल जाए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।